तकरीबन 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन रख देते हैं। संध्या जी, आप भी बताइए कि आप ये जो एट्रोसिटियाँ होती हैं और ये धरना प्रदर्शन होते हैं, क्या ये होनी चाहिए? एट्रोसिटियाँ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन धरना प्रदर्शन अगर एट्रोसिटी होती है तो उसके अगेंस्ट में होना तो चाहिए। धरना प्रदर्शन जरूरी भी है, लेकिन वो एट्रोसिटी को दबाने के लिए, ये नहीं कि आप हीरो बनने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं और आप जैसे हीरो बने फिर आप गया, पूरा उम्र आपने अपनी जॉब किया और जॉब के बाद आप हीरो बनने के लिए आ गए, आप नेता बनने के लिए आ गए, इससे दलितों का क्या फ़ायदा? आपने तो बल्कि दलितों का और आपने उनका फ़ायदा उठाया, उनको क्या फ़ायदा दिया? उनको आपने कोई इस तरह का कोई सुविधा नहीं प्राप्त कराई, आपने खुद उनके थ्रू हीरो बनने का प्लान बनाया। नम्रता जी, जो ये हीरो बनने वाली बात है, क्या हीरो 2 घंटे का 4 घंटे का ठीक होता है? मेरे हिसाब से 2 या 4 घंटे का तो हीरो मूवी वगैरह में सही होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हम यही चाहते हैं कि ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक आम आदमी की और बहुजन आदमी की जो भी परेशानियाँ हैं और उसके यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको गंभीर रूप से लें। और एक धरना प्रदर्शन कैसे होता है उन आम आदमियों की जगह सोचकर, जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती जब तक वो धरना प्रदर्शन पे बैठे, ना कि अपना फेस चमका के यहाँ से निकले। अच्छा, आगे की आपकी क्या रणनीति है कि ये जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और अपने आप को हीरो बना करके 2 घंटे 4 घंटे ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद अपने घर में जा करके मक्खन मलाई और एसी में बैठते हैं, तो आगे की आपकी क्या हुआ है, आज की आपकी क्या रणनीति थी? देखिए, हमें पता चला था यहाँ पर सचिन वालिया को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि अभी सचिन वालिया का जो की बात नहीं है, और भी बहुत अत्याचार हुए हैं, और भी बहुत एट्रोसिटी हुई है, बहनों पर हुई है, बच्चों पर हुई है, पुरुषों पर हुई है, लेकिन जैसे ही इन लोगों को ये पता चला कि भीम आर्मी के जो सचिन वालिया हैं उनके मतलब मर्डर की खबर फैली हुई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, तुरंत इन्होंने क्या किया कि उनके सपोर्ट में एक धरना प्रदर्शन रख दिया। यानी कि वो लोग हैं जो लोग जब नौकरी में होते हैं तब ये अपने समाज की तरफ मुंह उठाकर ही नहीं देखते, और उसके बाद ये जब रिटायर हो जाते हैं तब इनको ये समाज याद आता है, क्योंकि इनको फिर छुट्टी मिल जाती है नौकरी से, तब ये समाज के बीच में आते हैं सम्मान पाने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए। जो ये धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन जो होता है, जैसे कि अन्ना हजारे ने किया, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक वो वहाँ से हटते नहीं, धरना प्रदर्शन इसको कहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, यानी कि हमारे लोगों को फेंकाने के लिए काम करते हैं। हमारे लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, वो इस तरीके से रोज़ धरना प्रदर्शन में नहीं आते, अगर वो आएंगे तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? पूछना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी धरना प्रदर्शन लोग करते हैं, जैसे अभी अभी आपने कहा कि सचिन वालिया के पक्ष में उन्होंने आज का धरना प्रदर्शन करना था, मैं उन लोगों से मिला भी था तो मैंने तो जानने की ये भी कोशिश की थी कि शायद उन्हें सचिन वालिया की माँ का भी नहीं पता कि उनकी माँ का क्या नाम है, उनके पिताजी का नहीं पता, उनके भाई का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो ये अधूरी जानकारी प्राप्त ना होने के कारण फिर भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो लोग हैं, मैंने भी आपको बताया था इससे पहले कि ये वो लोग हैं जो नौकरी में होते हैं बड़े बड़े पदों पर, तब इनको समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, और जैसे ही ये रिटायर होते हैं तो ये समाज में अपना चेहरा चमकाने के लिए दलित एक्टिविटीज़ बनकर उनके बीच में आ जाते हैं, और 2 घंटे के लिए जैसे ही इन्हें पता चलता है कि दलित वर्कर वहाँ एट्रोसिटी हुई है, तुरंत ये 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन करने आ जाते हैं लोगों को बहकाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि अब हम इन लोगों का विरोध करेंगे, इनसे कहेंगे कि अगर आपको सही में दलित वर्ग के लिए हितेशी हो तो आप यहाँ पर आजीवन, जब तक ये लोग आपकी मांग पूरी ना मांग लें कि मान लें आपकी जो आपने मांगे रखी हैं, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम इनका विरोध करेंगे, और विरोध यहाँ तक होगा अगर ये नहीं माने तो पिटाई भी हम लोग करेंगे।